Hello viewers, I am Dr. Milan Chakravarti from AAFT School of Advertising PR Events. Today's video ka, title hai, wo hai Brand. बहुत बार हम लोगों ने पब्लिक को आपस में बोलते हुए सुना है कि मेरा कोट ब्रांडेड है, मैं ब्रांडेड शूज लूँगा, आपका पैंट ब्रांडेड नहीं है, मैं तो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही पहनता हूँ। अक्सर जिंदगी में हम लोग आम तौर पे ये वर्ड ब्रांड इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं अपने लैंग्वेज में। इसकी गहराई क्या है, ब्रांड इतना बज वर्ड क्यों है, कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें कि एग्जैक्टली व्हाट ब्रांड इज़ ऑल अबाउट। ब्रांड कोई एक ऐसी चीज़ है जो अनअवेयर है, जो टेंजिबल नहीं है, जो हम लोग शायद महसूस कर पाते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि जब हम लोग कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ब्रांड हम लोग पढ़ते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में, ब्रांड एक बहुत ही स्ट्रांग विषय होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी। नाउ इसको एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए एक परिवार है और उसमें एक पेरेंट्स हैं, एक बेटा है। पेरेंट्स इलिटरेट है, बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है, किसी तरह से अपनी रोजी रोटी अर्न कर रहा है, और उनका जो लड़का है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। ये जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स ऐसे ऐसे संस्कार अपने बेटे को दे रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, रुपए पैसा जो सेव कर रहे हैं वो अपने बेटे के कोचिंग में, एजुकेशन में लगा रहे हैं, अपने बेटे को अच्छी हैबिट दे रहे हैं कि बेटे का जो एक सपना है बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनने का, वो इस सपना बेटे का पूरा हो। नाउ अगर मैं इसी चीज़ को कंपेयर करूं एक कंपनी से और कंपनी के प्रोडक्ट से, तो ये देखें कि जब इन पेरेंट्स ने अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे हैबिट्स दिए, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा वातावरण दिया, तो ये जो उनका बच्चा था ये बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बन गया। ना जब ये बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो ये अपने आप में एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड प्रोडक्ट का ब्रांड है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ अपने बेटे में इंबाइब किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बाकी बच्चों से अलग था, जो फीचर्स इस बेटे को आगे जाके आईएएस ऑफिसर के प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा कर दिया। तो ये लेके चले कि पेरेंट्स कंपनी हो गए और जो इनका बेटा है वो प्रोडक्ट हो गया, वो ब्रांड हो गया। नाउ रेमंड्स का आपने नाम सुना होगा, रेमंड एक कंपनी का नाम है और इस रेमंड का जो ब्रांड है हम लोग बोलते हैं पार्क एवेन्यू। पार्क एवेन्यू एक ऐसा ब्रांड है जो शर्टिंग्स में है, परफ्यूम में है, कफलिंग में है। आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं रेमंड्स का, उसमें पार्क एवेन्यू लिखा होता है। आप वहाँ पे परफ्यूम लेने जाइए तो आपको पार्क एवेन्यू लिखा होगा। आप शर्ट्स परचेज करते हैं रेडीमेड, आपको पार्क एवेन्यू लिखा हुआ नज़र आता है। आप परफ्यूम की बॉटल्स लेते हैं, आप कफलिंग लेते हैं, आपके उस पर पार्क एवेन्यू लिखा होता है। मीन्स रेमंड इज़ अ कॉर्पोरेट ब्रांड और जो उसका ब्रांड प्रोडक्ट है दैट इज़ योर पार्क एवेन्यू। ना इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं, सबको पता है कि नेस्ले इज़ अ कॉर्पोरेट ब्रांड और नेस्ले बनाता है मैगी। मैगी का जो कैटेगरी है वो आता है नूडल्स में, मतलब इसमें एक जो कॉर्पोरेट ब्रांड है वो आपका नेस्ले हो गया जो कंपनी है, और जो आपका प्रोडक्ट हो गया वो आपका कैटेगरी है नूडल्स का। मतलब नेस्ले मैगी मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट ब्रांड मतलब नेस्ले, और जो मैगी है वो नूडल्स में एज अ प्रोडक्ट ब्रांड हो गया। आइए अब वक्त आ गया है देखने का कि एग्जैक्टली ब्रांड डिफाइन कैसे किया जाता है, या ब्रांड एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रांड्स के। कोई भी एक लोगो, एक डिज़ाइन, एक सिंबल, एक वर्ड, एक सिग्नेचर, एक साइन, एक अल्फ़ाबेट, कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करें कि ठीक है मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड यूँ हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो इवेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस के टूल्स के थ्रू हो, कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट के भी और कंपनीज के भी जो आपको दूसरे उस कैटेगरी के सेगमेंट में अलग कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट के फीचर्स जो आपको रिकोगनाइज करने में ईजी पड़ जाते हैं कि अच्छा ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है, तो इस कंपनी के इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, इसमें नहीं है। मतलब है कि चूंकि नहीं है तो ये स्पेसिफिक ब्रांड नहीं हो सकता, चूंकि ये एक यूनिक फीचर है तो ये इस कंपनी का ये ब्रांडेड प्रोडक्ट
कैटेगरी है। मतलब अगर मैं रिपीट करूं और सिंपल भाषा में समझाऊं, कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके प्रोडक्ट में एक्सक्लूसिवली इम्बाइब्ड हैं और बाकी उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं, दैट इज़ योर ब्रांड। ब्रांड को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, USP। USP का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। मतलब कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स जो किसी एक प्रोडक्ट में है और दूसरे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एप्पल एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, एक कॉर्पोरेट ब्रांड है। अगर मैं एप्पल की बात करूं और मोबाइल्स कैटेगरी में घुसूं, तो एप्पल के आईफोन्स क्यों फेमस हैं? क्योंकि इनकी USP है कि वो इनोवेटिव हैं, वो टेक सेवी हैं, वो अपने इनोवेशंस को, रिसर्च ओरिएंटेशंस को इतना अपग्रेडेड, इतना एडवांस रखते हैं कि दूसरे ब्रांड्स उनको भागते हुए भी, दौड़ते हुए भी नहीं पकड़ पाते। दैट इज़ द USP ऑफ एप्पल आईफोन्स। ब्रांड के USP फीचर को और थोड़ा सा समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था, दैट इज डोमिनोज पिज़्ज़ा। नाउ पिज़्ज़ा एक ऐसा सेगमेंट है जो हर कंपनी बना रही है, हर रेस्टोरेंट में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट फ्लेवर्स है, हाइजीनिक है, क्वालिटी कॉन्शियस है, हर चीज़ यूनिक है। बट इसमें भी कोई एक ऐसा फीचर उभर के बाहर आता है जो डोमिनोज को अलग करता है। आप कहीं पर भी हों, अगर आपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो आपके डोरस्टेप तक आधे घंटे में वो पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा। मतलब पिज़्ज़ा के कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पिज़्ज़ा बना रही हैं और पिज़्ज़ा बिक भी रहा है, बट डोमिनोज का ये USP हो गया कि इफ़ यू ऑर्डर द पिज़्ज़ा विल बी एट योर डोरस्टेप विद इन हाफ एन आवर। आइए देखें कि पावर ऑफ ब्रांड, मतलब एक पावर है, एक शक्ति है ब्रांड में, वो क्या चीज़ है। मान लीजिए मैंने आपको दो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए दिया, एक मैन्युफैक्चर्ड बाय पेप्सिको, पेप्सी है, और एक कोक का कोई प्रोडक्ट है। नाउ दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स है, दोनों का कलर लगभग एक जैसा है, टेस्ट एक जैसा है, स्मेल एक जैसा है। नाउ अगर मैं दोनों के ब्रांड्स को हाइड कर दूं, छुपा दूं, और मैंने आपको कोक पीने को लिए दिया और मैंने आपको पेप्सी पीने के लिए दी, तो आप देखा गया है कि ब्लाइंड टेस्ट में आप पेप्सी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब दूसरे केस में मैंने इस ब्रांड को रिवील कर दिया, अनवील कर दिया, अब आपको पता है कि अब आप कोक पी रहे हैं या अब आप पेप्सी पी रहे हैं। अब आप इतना स्ट्रांग पावर ऑफ ब्रांड होता है कि अब आप कोक ही पीना चाहेंगे, आप पेप्सी नहीं पीना चाहेंगे। ये एक रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है। अगर मैं पूरे ब्रांड के कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल्स को अगर मैं समराइज करूँ, समअप करूँ, तो अल्टीमेटली एक निष्कर्ष तक मैं पहुंच पाया, जब हर एक कंपनी की मार्केटिंग टीम इतनी स्ट्रांग होती है, हर एक कंपनी एक पर्टिकुलर मीडिया बजट अपने आप को अवेयरनेस के लिए बजट एलोकेट करता है, तो जहां पे क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकलिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ब्रांड कहाँ अपना गेम खेल जाता है और एक ब्रांड सुपीरियर हो जाता है, एक ब्रांड इन्फीरियर हो जाता है। देखिए, ब्रांड केवल एक लोगो है? नहीं। ब्रांड एक सिंबल है? बिल्कुल नहीं। ब्रांड एक सिग्नेचर है? बिल्कुल नहीं। ब्रांड इन सबसे ज़्यादा है। ब्रांड एक वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रांड एक वो इंटेंजिबल एसेट है किसी भी एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो अपने कंज्यूमर्स के साथ, जो अपने क्लाइंट्स के साथ एक ऐसा इमोशनल, एक सेंटिमेंटल बॉन्ड बना देता है, जो एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है, जो एक लॉयल्टी की, ब्रांड लॉयल्टी की फीलिंग आने लगती है। दैट इज़ द वैल्यू, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड। आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल देते हो, अगर मैं ऑटोमोबाइल्स में जाऊँ तो मेरे को इस कंपनी का ही गाड़ी लेना है, मैं इस कंपनी की गाड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि इसकी USP है, इसका ब्रांड है, इसके फीचर्स हैं। और यही नहीं कि उसकी पैकेजिंग अलग है, उसका प्राइस विर्थ अलग है, उसका बैंडविड्थ अलग है, उसके फीचर्स अलग हैं, बल्कि वो एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने कि अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ इतना स्ट्रांग एक इमोशनल बॉन्ड तैयार कर लिया है, एक ट्रस्ट जनरेट हो गया है। तो वो ब्रांड एक इमोशन है, ब्रांड वो सेंटिमेंट्स है, ब्रांड वो ट्रस्ट है, बिसाइड्स एक्सक्लूसिव फीचर्स के, कि वो आपको अपने कंज्यूमर के साथ जोड़ता है और आपका सेल्स, आपकी प्रॉफिट ग्रेजुअली एलिवेट होती रहती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने की जागरूकता है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन एक्सेस AAFT स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स। थैंक यू।